मध्य प्रदेश सरकार ने चाइनीज मांझा बेचने के आरोप में दो आरोपियों के घरों को बुलडोजर से घिरा दिया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खुद इसकी पुष्टि की है। मध्य प्रदेश सरकार ने चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। उज्जैन पुलिस ने मोहम्मद इकबाल और हितेश भोजवानी नाम के दो आरोपियों पर कार्रवाई की है। हाल में नरोत्तम मिश्रा ने चेतावनी दी थी कि चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। उज्जैन पुलिस चाइनीज मांझे पर रोक के लिए ड्रोन से निगरानी रख रही है। प्रशासन ने जांच के बाद दोनों आरोपियों को चाइनीज मांझा बेचने का आरोपी पाया। दोनों के घर चाइनीज मांझे के कई बंडल मिले थे। मोहम्मद इकबाल के घर को 4 जनवरी को गिराया गया, वहीं हितेश भोजवानी के घर पर अगले दिन कार्रवाई हुई। CT SP विनोद मीना ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि उज्जैन में चाइनीज मांझे की खरीदी बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन है। दो व्यापारियों को चाइनीज मांझा बेचते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। प्रशासन ने दोनों आरोपियों के घरों को गिरा दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने भी चाइनीज मांझा बेचने पर घर गिराने की बात कही है। हालांकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ऐसे अपराध में किसी का घर गिराया जाए। प्रशासन का दावा है कि दोनों आरोपियों के घरों के कुछ हिस्से का निर्माण अवैध था। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक पुलिस ने बताया कि चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। उज्जैन के SP सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने सर, मकर संक्रांति का त्यौहार आ रहा है। गुजरात में पिछले 3 दिनों में चाइनीज मांझे से 3 मौतें हुई है। मध्य प्रदेश के अंदर भी लगातार चाइनीज मांझे की घटनाएं सामने निकल कर आ रही है। कल हमने कार्रवाई, परसों आपने कार्रवाई देखी होगी उज्जैन के अंदर, कि चाइनीज वाले जो वाले थे उनको जो जमींदोज किया गया है, और ये कार्रवाई का एक ही पार्ट था। ये सचे संक्रांत आ रही है, लोग पतंग उड़ाते हैं, और मैं आप सबके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, और वो जो चाइनीज मांझा बेचने की सोचते भी हैं वो भी कान खोल के सुन लें कि मध्य प्रदेश के अंदर उनके ऊपर रासुका जैसी कार्रवाई हो सकती है। और इस